हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में बीते 28 अक्टूबर को सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी विक्रम अहिरवार का सिरविहीन शव मिला था। करीब 2.5 माह बाद पुलिस ने उक्त घटना का खुलासा करते हुए मृतक विक्रम का सिर बरामद कर लिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी रतीश यादव, रघुवीर यादव व केशव यादव, महोबा निवासी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के खुलासे पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने 10,000 रुपये का पुरस्कार सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक यादव व कोतवाली प्रभारी मनोज शुक्ला को प्रशस्ति पत्र दिया। नाम के व्यक्ति है, ये लापता हो गए थे। दिनांक 28 को इनकी जो संदिग्ध अवस्था में इनकी सर्वहीन जो डेड बॉडी है, ये चोपरा मंदिर के पीछे धमना रोड पर जो नाला है उस पर मिली थी। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद करके और इनकी निशानदेही पर इनकी शिनाख्त जब हो गई, शिनाख्त होने के बाद में 29 तारीख को इसमें 302 और 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन तभी से पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती थी कि एक तो इसमें जो मृतक है उसका सिर बरामद नहीं हुआ था, तो डेड बॉडी की पहचान चूंकि परिवारजनों ने कर ली थी लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं थे। साथ ही साथ में ये भी पता नहीं चल रहा था कि ये घटना कैसे हुई है। पुलिस इसमें लगातार प्रयास करती रही। हमारा यही उद्देश्य था कि जो असली कातिल है वही पकड़े जाए और उसे किसी तरह जेल भेजा जाए। इसलिए घटना में काफी टाइम भी लगा। ये एक तरीके से 22 अक्टूबर की घटना थी, आज 10 तारीख को भी इसका अनावरण कर रहे हैं, काफी समय लगा। पुलिस ने इसमें एक एक पहलू पे सभी चीजों पे किया, क्या मोटिव हो सकता है घटना के पीछे, क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें घटना के पीछे कारण आया इनका जो मृतक है, इनके पिताजी का जो प्लॉट है, उस प्लॉट पे जो रतीश यादव है और इनके भाई है रघुवीर यादव, इन दोनों की निगाह थी काफी दिन से। ये सोचते थे कि अगर इनके लड़का नहीं होता तो ये जमीन हम इनसे खरीद लेते। चूंकि मृतक है वो अकेला भाई था और इनके 4 बहनें हैं, तो इसी को इन्होंने प्लान बना के और केशव यादव के माध्यम से 22 तारीख की रात्रि में केशव को ये मिला और केशव इसको शराब पिलाने के बहाने अपने साथ में ले गया। और उसके बाद में फिर ये जो रतीश यादव है, इसके जो रेते का जो डंप है वहां इनको ले गए और वहां इसको रेता भरने की बात करके और उसको फिर कि तुम्हें पैसा देंगे, उससे पहले इनको दारू पिलाई गई और दारू पिलाने के बाद में फिर जब ये बेहोशी के मतलब नशे में हो गए तो रतीश ने इनको पहले डंडे से मारा, फिर बेहोश हो गए तो फिर दोबारा बड़ा डंडा लाया फिर उससे मारा। उसके बाद में फिर डंडे से मारने के बाद जब इनको इत्मीनान हो गया कि मर गए तब इनको ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के और ये नाले के पास में ले गए। वहां पे फिर इन्होंने जो मृतक है उसके सिर को काटा और सिर को काटने के बाद में डेड बॉडी को अलग नाले में बहा दिया और सिर को वहां से करीब 50 गज दूर नाले के अंदर जो कीचड़ होता है उस कीचड़ के अंदर अच्छे से छुपा दिया कि जिससे ऊपर ना आ पाए, और डेड बॉडी के ऊपर भी उन्होंने पत्थर वगैरह डाल दिए। बाकी जो सारे उसके कपड़े और अन्य आइटम थे उनको भी इन्होंने वहीं पास में छुपा दिया झाड़ियों में। तो आज इस घटना में डेड बॉडी का जो सर है वो भी यहाँ पुलिस ने बरामद कर लिया है इनके निशानदेही पे जो पकड़े गए वांछित, और इसमें 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। एक केशव यादव है, एक रतीश यादव है, एक रघुवीर यादव है और एक पप्पू। पप्पू इनके यहाँ पे ड्राइविंग का काम करता है, ये जो ट्रैक्टर चलाते थे तो पप्पू इसमें ड्राइवरिंग का काम करता था। इस तरीके से काफी चर्चित और काफी मतलब हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी, जिसको कि पुलिस ने काफी अच्छे तरीके से एक एक पहलू पे इस पे जाके और पूरी अच्छे से जांच करके और एक एक चीज को इसमें निकाला है बाहर और घटना का खुलासा किया है, और 4 अभियुक्तों का गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो डेड बॉडी का जो सिर मिला है उसका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और DNA टेस्ट भी उसमें कराया जाएगा जिससे कि वो आपस में कनेक्ट हो जाए। और इस केस में हम ये प्रयास भी करेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रायल हो और इनको जो मुलजिम है इनको इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी से जल्दी इसमें सजा इन लोगों को मिले, ये हम इंश्योर करना चाहेंगे। पूरी राठ थाने की टीम ने इसमें लगातार मेहनत की और हमारे द्वारा भी इसमें लगातार इनसे पूछताछ, मतलब डेली ऐसा कोई दिन नहीं था कि हमने पूछा नहीं इनसे। CO साहब ने इसमें काफी प्रयास किया, बहुत मेहनत करी और इसी का नतीजा है कि ये घटना अच्छी तरीके से वर्कआउट हुई और इसमें जो जो लोग संलिप्त थे वो सारे के सारे लोग एक साथ जेल जा रहे हैं, ये भी मतलब पुलिस की वो है। तो मैं इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनको नगद पुरस्कार में दे रहा हूँ और जो CO साहब है थाना प्रभारी है इनको प्रशस्ति पत्र देकर। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।